खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। आपको बताते चलो कि रामशंकर कठेरिया की ओर से बड़ा बयान इस वक्त दिया गया है। वोटों की गिनती से पहले दावों का दौर तेज हो गया है। रामशंकर कठेरिया उम्मीदवार हैं यूपी की इटावा लोकसभा सीट पर। उनकी ओर से दावा किया गया है बीजेपी की बन रही है सरकार, पूरा दमखम दिखाने हम जा रहे हैं 400 पार। कनाडा भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता लगा रहा है तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, ये कहा है रामशंकर कठेरिया ने। आपको बताते चले रामशंकर कठेरिया यूपी की इटावा सीट से चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे और बसपा की सारिका सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। वहां पर भी काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राहुल और अखिलेश दोनों फेल हो गए हैं, ये कह रहे हैं रामशंकर कठेरिया। आपको बताते चले कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। 64,000 से ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। क्या कुछ कहा गया है रामशंकर कठेरिया की ओर से सुबह सुबह अपने दावों के दौर पर, किस तरह से अपना हाथ आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं नेताजी, सुनिए। जो कांग्रेस के नेता है पप्पू और दूसरे उत्तर प्रदेश के नेता है गप्पू, ये गप्पू और पप्पू दोनों फेल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बन रहे हैं।